हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आई हूँ छत पे बागवानी में, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी बागवानी का छोटा सा पार्ट। तो यहाँ पे हमने फ्लावर लगाया है, आप देख सकते हैं। हमने नर्सरी से लिया था, कुछ घर पे पहले से लगा हुआ था। और यहाँ पे है बैंगन का पौधा, तो इसमें देखिए बैंगन लगे हुए हैं और बहुत सारे बैंगन हमने तोड़ रखा है। और यहाँ पे है चेरी का पौधा, इसमें देखिए कितना चेरी लगा है, बहुत ज़्यादा हमने चेरी हार्वेस्टिंग किया है इससे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मेरा बागवानी। और यहाँ पे है नींबू का पौधा, इसमें देखिए कितने बड़े बड़े नींबू हुए हैं और ये रस से भरा हुआ है। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं यहाँ से नींबू तोड़ लेती हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें कितने नींबू लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे छोटे नींबू भी लगे हैं और उसके साथ एक बड़ा हुआ है और चेटा निकल भी गया है और यहाँ पे फ्लावर भी लगे हैं। तो ये नींबू बहुत अच्छा है जो मुझे नर्सरी से मिला था, तो मैं इसे लाई थी घर पे। यहाँ पे देखिए एक अलवेरा भी हमने लगा रखा है, दस बजिया फूल भी है, कुछ यहाँ पे पौधे हमने फ्लावर के लगा रखे हैं। यहाँ पे है नेपाली साग, तो हमने एक टब में लगा रखा है। हमने यहाँ पे जीने पे कुछ प्लांट रखे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे है भिंडी का पौधा और यहाँ पे घेवड़ा का भी पौधा, हमने घेवड़ा भी लगा रखा है। यहाँ पे कुछ साग है, यहाँ पे अरुआ का पत्ता भी है जो हम इसे पकौड़ी बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए और दिखाते हैं आपको मेहंदी का पौधा, देखिए कितना ग्रो कर रहा है। हम इसे मछली के कार्टून में लगा रखा है और इससे हमने पत्ते भी बहुत तोड़े हैं। और यहाँ पे है साग जो देखिए कितना बड़ा हुआ है और इससे मैं बहुत साग हार्वेस्टिंग की हूँ और बनाई भी हूँ। यहाँ पे है भिंडी का पौधा जो हम यहाँ पे है घी का डब्बा, उसमें हमने मेहंदी लगा रखा है, इसका ग्रो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे है करेला जो अपने से हुआ है, मैं इसे देखभाल भी नहीं करती हूँ लेकिन देखिए इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे दो कार्टून बचे हुए हैं, इसमें मैं लगाऊंगी सब्जी जब मुझे ज़रूरत होगी। तो मैं आगे चलती हूँ। ये नींबू देखिए, ये वैरायटी देख लीजिए, ये पूरे थोड़े से पौधे हैं, इसमें पूरे नींबू से भरे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं अपने छत पे हार्वेस्टिंग करती हूँ, नींबू लगाई हूँ, पपीता लगाई हूँ, मैं सब शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पे देखिए मैं नेपाली साग यहाँ पे जो लगा रखा था उसे हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ। तो तोड़ के हम बनाएंगे इसका साग और सब्जी। अच्छा, ये बहुत टेस्टी लगता है, आप खुद एक बार ट्राई करिएगा, मार्केट में भी मिलता है। तो हम घर का तो बहुत टेस्टी लगता है, मार्केट का भी टेस्टी लगेगा, ज़रूर बनाइएगा। और इसमें फ्लावर भी लगे हैं और मैं तोड़ रही हूँ इसे। तो देखिए हमने इसे तोड़ रखा है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, इसमें आलू भी डालूँगी और आलू डाल के मैं बनाऊँगी इसका साग, आप साग कहिए या कहिए सब्जी। तो देखिए यहाँ पे कुछ गमले हैं, यहाँ पे भिंडी का भी ग्रो आप देख सकते हैं कितने बड़ा हुआ है भिंडी। और मैंने बोरी में भी लगा रखा है भिंडी और यहाँ पे मैं इसको तोड़ लूँगी। लगा रखा है इसमें बैंगन था हुआ था, मैं इसे तोड़ रखी थी। यहाँ पे अपने से हुआ है घेवड़ा, मैं लगाई नहीं हूँ, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कावा जो मेरा चेरी तोड़ के ले गया है। तो देखिए यहाँ पे कितने चेरी लगे हुए हैं, मुझे तोड़ने से पहले ही ये तोड़ के लेके चला जाता है। और मैं छत पे जब आती हूँ तो देखती हूँ कि इसे मस्ती से खा रहा था, तो मैं उसका भी वीडियो बनाई। तो देखिए यहाँ पे हमने हार्वेस्टिंग की है और ये खट्टे और मीठे लगते हैं, ये फल बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे नींबू भी तोड़ना था, ज़रूरत है, मैं तोड़ रखा है इसे। और ये देखिए ये भी पक चुका है नींबू, यहाँ पे देखिए कितने बड़े हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी कोई भी पौधा लगाइए उसका देखभाल कीजिए तो रिजल्ट सामने आपके सामने है और आएगा ही।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे खुशी होती है कि नींबू को तो हमेशा काम रहता है घर में, कोई मेहमान आ गए या कुछ भी तो नींबू तो तोड़ना ही है। और यहाँ पे देखिए हमने नींबू और चेरी दोनों तोड़ के दिखा रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे बैंगन को तो मैंने आपसे शेयर किया ही था, देखिए देखिए कितने बैंगन इसमें और लगे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें थोड़ी बहुत घर पे कुछ पौधे लगाना ही चाहिए। और यहाँ पे दिखाते हैं आपको पपीता जो अपने से हुआ। ये पौधे में अभी छोटा ही है, इसमें फ्लावर लग रहे हैं, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, आगे चल के आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो इसमें भिंडी हमने लगाया था, ये अपने से हुआ था, मैं इसे छोड़ दी हूँ, तो देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। इसमें देखिए कितने पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक वैरायटी का नींबू और है जो हमने लगाया है, अब इसमें पौधे में फल फूल आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे घेवड़े से है जो फ्लावर है उससे मैं तोड़ लूँगी, ये भी मैं उसमें सब्जी में डालूँगी। आपके पास जगह ना हो तो आप एक छोटे से गमले में ही मेहंदी का पौधा लगा सकते हैं और इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसका ग्रो आपके सामने है, इसके पत्ते भी आपके सामने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब मेहंदी की ज़रूरत हो तो मुझे कहीं जाना ना पड़े, मैं अपने जड़ से तोड़ लूँ।